ये रही मेरी घड़ी हो, ये रहा मैं जो चिकना लड़का हूँ वो मैं हूँ। ये घड़ी किसी और कंपनी की, जिसका मुझे नाम नहीं मालूम, बस खरीद लिए। और हम लोग जा रहे गांव। गांव जाने से पहले ये लोग थोड़ा स्मार्ट होना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने लाया था डाई। तो हम लोग, मैं इनको डाई लगा रहा था, तो डाई लगाते वक्त मामू आ गए। मामू ने कहा मुझे तो मैं लगा दूँ, मामू स्पेशलिस्ट है। मामू ने लेके खुद इनके सर पे पूरे डाई लगा दिए। डाई लगाने के बाद रिजल्ट बाद में आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट अभी से दिख नहीं रहा। तो ये हम लोग गाँव जा रहे, तो हम लोग ने कैरी मंगाई, कैरी में अपने सामान वामान डाला। मैं और मेरी फैमिली निकल पड़े बस अड्डे की तरफ। मैं क्या करूं फिर? जब लोग जैसे बस अड्डे पे पहुंचे, छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ने के बाद हम लोग सर अपना सामान वागू में रख दिया। मेरा हम लोग ने अंदर जाकर सीटें देखी, सीटों पर बैठ गए। भाई की बाइक ये खड़ी हुई थी, जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई तो भाई चले गए। हम लोग बस के अंदर बैठ गए। तकरीबन को 10 बजे के करीब जाके बस हमारी रुकी। हम लोगों ने उतर के खाना वाना खाया, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग दोबारा फिर बस में बैठ गए। बस में ना तो मुझे नींद आ रही थी, और ना ही अच्छा लग रहा था, ना ही कुछ गाने सुनने का दिल चाह रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और सुबह के 7:45 हो गए, 7:45 हो गए, तो हमारी गाड़ी हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर थी, मतलब मेरे मामू के घर से 1-2 किलोमीटर दूर थी। जैसे कि हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, तो मामू के घर पर अपना सामान वामान डालने के बाद, खाना वाना नाश्ता करने के बाद, मैं अपना सामान लेता हूं और एक कैरी छोटी सी करवाता हूं। इस कैरी पे जो अजाब मुझे मिला मुझे पता है। रास्ते में हमारे सामान का एक गड्ढा जो था, घुटला जो था, खुलने लग गया था कट्टा। हम लोग उसको बांधते हैं, और बांधने के बाद घर पे सामान पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद दोबारा मैं मामलों के घर आ रहा होता। हाल जो मेरा था बुरा हो रहा था, क्योंकि ये कच्ची सड़क में इतने झटके लग रहा था कि क्या क्या बताऊं मैं। ऐसे आता हूं तो सामने आंसर नजर आता है। आंसर को कहता हूं बाइक निकालता है, अपने अब्बू की बाइक लेने का, क्योंकि मुझे समोसे पंजाब के अच्छे लगते हैं, वो खाने के लिए चौक पे पहुंच जाता हूं। समोसे मुझे खाने के बाद मैं दोबारा मामलों के घर पे आता हूं, अपनी फैमिली को लेकर अपने घर चला जाता हूँ। फिर जैसे जैसे वहाँ पे रेस्ट करने के बाद शाम हो जाती है, और स्टार्ट होता है जागा। जागा होता सेलिब्रेशन होती है, हमारी जबान उसको जागा कहा जाता है। तो वहीं पे जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, दूल्हा भी बैठा हुआ था, तो वहीं पे हमारा ये डोल जो होता है दम दमादम डोल हो जाता है, फट जाता है। तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम तो वड़ जाता है, प्रोग्राम ऐसा वैसा हो जाता है। तो मजा तो फिर भी मैं नहीं आ पाया। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है वो आपको बताऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कैसे शादियां होती है हमारे इलाकों में। तो उसके लिए हमारे कनेक्ट रहिएगा, फॉलो कर लें और लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।